तेजी से फैल रहा है। आपने देखा होगा बिहार की जितनी भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस पे सरकारी जो बिहार के लोग हैं जो चलाते हैं बिहार सरकार को, उन्हीं को भरोसा नहीं रह गया है। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो, अपर सचिव जो है गृह विभाग के, उनको भर्ती नहीं कराया गया एम्स में और जान चली गई। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें कि NMCH का था, जहां अपने पिता का वो ऑक्सीजन जो है वो चेंज कर रहा था, वो बार बार कंप्लेन कर रहा था, गुहार लगा रहा था कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई नर्सेज नहीं है और इलाज ढंग से नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरीके से बिहार सरकार आपदा के समय भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है और इनको चुनाव की चिंता है। उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे समय अगर कोई भागलपुर का कोई जिलाधिकारी अगर संक्रमित पाया जाता है तो वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज में उसकी भर्ती नहीं होती है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है वहां। वो पटना भी आएगा तो NMCH या PMCH इनमें भर्ती नहीं होगा, वो कहां जाएगा? वो वहां जाएगा, एम्स जाएगा। आखिर ऐसी क्यों व्यवस्था? और एम्स जो है कहता है कि हम केवल और केवल VIP लोगों को ही ले सकते हैं। तो हमारा सवाल है कि आखिर ये गरीब जाएंगे कहां, कहां इनको भर्ती होगा? कई हमने वीडियो देखे जहां पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनका टेस्टिंग भी नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? जितना है सारा रेफरल कर दिया गया है। तो ये जो कुव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार के वजह से इन चुनाव की इनको जो चिंता है, कुर्सी की चिंता है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है जान है तो जहां है, लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम तो चाहते हैं, अगर इनको नहीं लगता है कि कोरोना नहीं है खतरा, किसी का जान माल का नुकसान नहीं होगा, तो आप कराइए परंपरागत तरीके से चुनाव। अगर परंपरागत तरीके से आपको लगता है कि कोरोना महामारी है, जो कि WHO ने भी अब कह दिया कि महामारी है, तेजी से फैल रहा है और भयानक रूप लेने वाला है, तो थोड़ा अगर विलंब हम लोग कर ले तो आखिर जल्दबाजी क्यों है? विलंब करने में क्या दिक्कत है? लोगों की जान की सुरक्षा। और जब तक जो है चुनाव इसलिए ना होता है कि लोगों की जान बचाई जाए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाई जाए, तो जब लोगों की जान पे ही खतरा आएगा तो ये कहां से उचित होगा? तो इसमें एक सवाल है, ये तो उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। हम भागने के लिए नहीं है, यहाँ आफत आई हुई है। जो सत्ता में बैठे उनसे पूछे लॉकडाउन क्यों किया है, क्यों किया गया है लॉकडाउन, फिर से दोबारा लॉकडाउन क्यों किया गया, लॉकडाउन को क्यों बढ़ाया गया, ये सवाल का जवाब दे। बोलेंगे कोरोना है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है भयावह रूप ले रहा है, जान का नुकसान है। आप पूछिए मुख्यमंत्री 90 दिन से बाहर क्यों नहीं निकले, अभी फिर जो है क्वारंटाइन है, आखिर क्यों है? जब मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गए तो आम लोगों की जरा सोचिए क्या स्थिति होगी, या टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही। तो हम तो यही कह रहे हैं कि परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए ना फिर। तो आपको फिर डर क्या है? आपको लगता है कि कोरोना नहीं है तो आप परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए। कोरोना की आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है वोटिंग है? हम कहां तक भाग के जाएंगे अगर हमको भागना होगा तो? लेकिन अगर जान पे नुकसान आएगी तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की, जिन लोगों ने हमको चुना है उनके जान को हम बचाएं, ना कि उनके जान को लेकर के हम लोग रिस्क लें। ये क्या लॉकडाउन है? स्कूल कॉलेज सब बंद क्यों हो गया? दुकान वकान क्यों बंद हो गया? इसलिए ना। तो आप समझिए कि एक दिन में अगर चुनाव के दौर में अगर सब लोग सड़कों पर करोड़ों की संख्या में लोग निकलेंगे और कई अधिकारी पाए गए हैं पॉजिटिव, तो संक्रमण जो है कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा? लाखों करोड़ लोगों का, कितनी चीजें जो है वो छूना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। क्या ये दौर हम पूरा सिस्टम चुनाव में लगाए या लोगों की जान बचाने में लगाए? बिजई लेकिन एम्स में भर्ती कौन होगा? VVIP लोग होंगे, BJP के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे भर्ती, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के लिए क्या व्यवस्था है? कौन सा अस्पताल है? कहाँ सुनवाई हो रही है? कहाँ टेस्टिंग हो रही है? ये तो केवल और केवल बिहार में VVIP लोगों के लिए ही एम्स खुला हुआ है।
और बिहार में जितने सरकारी लोग हैं सब लोग जो है अपने बनाए हुए व्यवस्था पे विश्वास ना करके एम्स जा रहे, क्यों जा रहे? और एम्स में भी भर्ती किनकी हो रही है? गिने चुने लोगों की हो रही है, क्यों नहीं गरीबों की भर्ती हो रही है? लोगों से पूछा जाए तो हमको नहीं लगता कि 20% भी जो है टर्नआउट हो पाएगा। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मत का प्रयोग करें, लोग जाएं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से डूब गया, जिसको रहने का ठिकाना नहीं, जो जान माल की जो रक्षा में लगा हुआ है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ प्रशासन के लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं, आप वहां कहां कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव हो पाएगा? और होगा भी तो फेयर इलेक्शन हो पाएगा? तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि चीजों को मिलजुल करके सुधारा जाए, लोगों की जान की रक्षा की जाए, फिर से पटरी पे गाड़ी आ जाए, उसके बाद